खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। छतरपुर जिले में आज जन सुनवाई हो रही है। यहाँ पर ग्राम पंचायत घूरे और थाना बमीठा से कम 50 किसान आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारे पिताजी के पैसे, जो बच्ची पटेल हैं, उनके पैसे धोखाधड़ी से निकाल लिए गए हैं और ये पैसे अच्छे लाल अहरवार और अच्छे लाल रैकवार और शंकर रैकवार ने निकाले हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग ने काफ़ी बार एसपी सर को आवेदन दिया है लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और कलेक्टर सर को भी आवेदन दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज ये लोग जन सुनवाई में आए हैं लेकिन इन लोगों की यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये किसान फिर से निराश होकर जा रहे हैं। पैसा निकल गया बैंक से हमारा। कितना पैसा निकल गया? 56,40,000। कैसे? हम जो सोचता है हमारे पैसा मिल रहा है, जमीन चली गई। तो कहाँ आई है आज आप? लखेट पर कलेक्टर लो आए। क्या आसपास आवेदन लगा दिया कि पैसा नहीं मिल रहा, अब सावरे लगा दो। तो कहाँ से फिर आपने कहाँ रिपोर्ट कराई इसकी? पता चला कितने निकाले? कोई पता नहीं। बच्ची पटेल बहुत सीधे साधे हैं। इन लोगों को जिलवा गए हैं बाबूलाल पटेल राजनगर। इन लोगों ने जेल में कुछ खवाया है, बेहोश कर दिया है, फिर इनको राजनगर लुवा गए, बैंक में दस्तखत कराए हैं। बैंक की जुड़ी मिली भगत है, बस इन्हें दस्तखत करा के बाबूलाल ने और शंकरिया ने बाबूलाल अखबार ने मारो है। शंकरिया रैकवार बाबूलाल पटेल इन लोगों ने मारो है और बस राजनगर में दस्तखत कर लिया, पैसा निकाल लिया है। शंकरिया रैकवार है, अछैया रैकवार, कुंजी रैकवार, बाबूलाल पटेल। क्यों निकाली है? अब ये तो मालूम नहीं है, धोखाधड़ी से निकाल लिए गए हैं। जे भी मालूम नहीं है इनको, ये नहीं मालूम कहे पर दस्तखत करवाए हैं, क्या करवाए हैं। वो तो जब हमने वो निकलवाया देखा कि इसमें कितना हमारा बैलेंस है, तब उसमें से 55,40,000 रुपये का गबन हुआ था। आप लोग आवेदन मैंने बमीठा थाने को दिया, राजनगर थाने को दिया, एसडीएम को दिया और एसपी साहब को दिया। क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 महीने 7 दिन हो गया। क्या चाहते हैं अभी आप? इनके ऊपर कार्रवाई हो और इनको जेल भेजा जाए और हमारा जितना पैसा है हमको मान लो पैसा दिला जाए। इसमें बैंक की भी मिली भगत है क्योंकि इतना सारा पैसा बिना बैंक के तो निकाल जा सकता है। उसमें फर्जी साइन करवाए और यदि उसमें है तो सीसीटीवी कैमरा से चेक करवाए जाए क्योंकि चेकबुक दी गई नहीं है, तब की चेक से ट्रांसफ़र हो गया है पैसा। जब हमने कलेक्टर मोहित बुंदस से इस बारे में बात की तो उन्होंने कुछ जवाबदेही नहीं दी, उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि पहले जांच पड़ताल की जाएगी और अगर जो भी दोषी निकला जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।